हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS एस्टोनिया T10 2024 की जो सीरीज चल रही है इसके 49वें मैच और आज के दिन के 6ठे मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा थाईलैंड सुपर राइडर्स वर्सेस थाईलैंड यूनाइटेड के बीच मैच खेला जाएगा। मैच की टाइमिंग है 6 बजे स्टार्ट होएगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। डेट 22 मई 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो एस्टोनियन नेशनल क्रिकेट एंड रग्बी फील्ड थाईलैंड में मैच खेले जा रहे हैं, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 150 से लेकर 160 के करीब बन रहा है, यानी बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू चल रहा है। लगभग 200 स्कोर भी बन रहा है, ठीक है, इस वेन्यू पर अभी हालिया के कुछ मैच देखोगे तो। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 47 मैच हो चुके हैं इस वेन्यू पर, जिसमें से आज के दिन के 2 मैच भी इंक्लूड है, जिसमें से 21 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 26 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। यानी कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं है बैटिंग फर्स्ट या सेकंड का, ठीक है। पहली टीम है थाईलैंड यूनाइटेड, जिसने आज के दिन में 2 मैच खेले और दोनों के दोनों बढ़िया मार्जिन से जीती थी। दोनों ही मैच में बढ़िया स्कोर बनाया फर्स्ट बैटिंग करते हुए और आज चेस कर लिया था, ठीक है। पहले मैच में तो 150 रन के मार्जिन से जीते, लेकिन दूसरे मैच में TH की टीम थी जिसने 27 रन के मार्जिन से हारी खाली, ठीक है। लेकिन दोनों मैच थाईलैंड यूनाइटेड जीती थी, इसलिए यह टीम फेवरेट है और इसी के फेवर में अपने को टीम बनानी है, ठीक है। पहले वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। थाईलैंड यूनाइटेड के आज के दिन में 2 मैच हो चुके हैं और जो दूसरी टीम है उसके खाली ग्रुप स्टेज के मैच हुए थे 8, उसके बाद से अभी तक इसके मैच नहीं हुए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आपको सभी चीज़ों के बारे में सही से जानकारी होगी। पहले बात करते हैं थाईलैंड यूनाइटेड की, जिसने इस टूर्नामेंट में 12 मैच खेले हैं, 9 मैच इनकी टीम जीती और 3 मैच इनकी टीम हारी है, ठीक है। आज के दिन में भी 2 मैच हुए, दोनों के दोनों जीती। आज के दिन में जो लास्ट मैच हुआ है अभी जस्ट खत्म हुआ है, उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर दिया है। तो ओपनिंग करने आया था अर्चित निगम, जिसने 8 मैच में 109 रन बनाए 13 की एवरेज से, 1 ओवर की गेंदबाजी कराई है, 0 विकेट लिए, बैटिंग ओपनिंग कर रहा, साथ ही आपको साथ तक विकेट कीपिंग के पॉइंट भी दे रहा है, इसलिए इसने 2-3 कैच करे थे। विकेट कीपिंग यही प्लेयर कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30% इसका सिलेक्शन है, लेकिन विकेट कीपिंग के पॉइंट के साथ ओपनिंग कर रहा है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके बाद है साकिल चौहान, जिसने 12 मैच में 240 रन बनाए 20 की एवरेज से, 16 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिए, यानी बॉलिंग भी करवा रहा साथ ही अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है। और अभी जो इसका एक मैच खत्म हुआ है उसमें इसने बहुत शानदार शतक मारा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सिलेक्शन भी आप देख सकते हो 92% है, ठीक है। इसके बाद अली मुसाद, जिसने 12 मैच में 569 रन बनाए लगभग 47 की एवरेज से, 18 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 9 विकेट लिए, तो यह प्लेयर भी बहुत शानदार है। आज के दोनों मैचों में इसने भी बढ़िया पारी खेली, पहले मैच में शतक मारा, दूसरे मैच में 80-90 रन की पारी खेली और कैप्टन वाइस कैप्टनसी का इस मैच में डिफॉल्ट चॉइस है, ठीक है, इसको भी सेलेक्ट करेंगे अपन। और बॉलिंग भी करवा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आयुष उम्मत, जिसने 12 मैच में 123 रन बनाए 5 ओवर की गेंदबाजी करी 0 विकेट लिए, इसको अपन ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें 135 मैच में 1999 रन है, 346 ओवर की गेंदबाजी 96 विकेट, इसको अगर आपको ट्राई करना है तो फर्स्ट बल्लेबाजी में ही अपन इसको ट्राई करेंगे, सेकंड बल्लेबाजी में अपन इसको ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद है साहिल चौहान, जिसने इस टूर्नामेंट के 12 मैच में 399 रन बनाए 34 की एवरेज से, 8 ओवर की गेंदबाजी करवाई 6 विकेट लिए, बैटिंग बहुत शानदार कर रहा, लेकिन आज के जो 2 मैच हुए हैं इस टूर्नामेंट में उसमें दोनों ही मैच में इसने 2-2 ओवरों की गेंदबाजी करी है और अच्छे खासे विकेट लेके गया है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप इसको भी दे सकते हो, क्योंकि बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है साथ ही बॉलिंग भी करवा रहा है। आज का जब पहला मैच हुआ तब इसने 52 रन की पारी खेली, 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा के 4 विकेट लिए, और जब दूसरा मैच हुआ तो इसने 2 विकेट ले लिए थे 2 ओवर में। तो इंपॉर्टेंट है आज के दोनों मैचों में बॉलिंग करवाई है, ठीक है। इसके बाद है अनुराग सिंह, जिसने भी बॉलिंग करवाई है इस टूर्नामेंट में, 8 मैच में 15 ओवर 6 विकेट, यानी 2 ओवरों की गेंदबाजी करवाई है, तो अपन इसको सेलेक्ट करेंगे। और सिलेक्शन की बात करें 58% इसका सिलेक्शन है, ठीक है। इसके बाद है मुरली ओबिल, जिसने 11 मैच में 17 ओवर 6 विकेट, तो एक अच्छी गेंदबाजी करवा रहा है और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि सामने वीक टीम है तो आज इसके सारे प्लेयर लेंगे अपन TU के, ठीक है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें 3 मैच में 6 ओवर 1 विकेट। उसके बाद है क्रिस रियर, जिसने 4 मैच में 5 रन बनाए। इसके बाद है भूपेंद्र वर्मा, 6 मैच में 3 ओवर 0 विकेट। उसके बाद है आद्या विष्णु विक्रांत, जिसने 3 मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी कराई 0 विकेट लिए। इसके बाद है राजेंद्र रावत, जिसने 1 मैच खेला है, बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 12 मैच में 67 रन है, 16 ओवर की गेंदबाजी 9 विकेट, जो क्लब रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके अलावा इस बैच में से कोई सा भी प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टैट्स हमारे पास अवेलेबल है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर सभी को सेलेक्ट कर लिया, एक प्लेयर बच रहा है यहाँ से, आयुष उम्मत, ठीक है, उसको अपन ट्राई करेंगे फर्स्ट बल्लेबाजी में। अगर बॉलिंग होगी तो अपन यहाँ से किसी भी एक बॉलर को ट्राई कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बात करते हैं अपन दूसरी टीम की, थाईलैंड सुपर राइडर्स की, जिसने इस टूर्नामेंट में 8 मैच खेले और 2-3 दिन से इनके मैच हुए नहीं है, ठीक है। तो
टाइम हो गया इनके मैच हुए हुए, इसलिए बैटिंग और बैटिंग ऑर्डर सब मैंने सेट कर दिया है जो लास्ट मैच खेला गया है उसके हिसाब से। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि इस टीम के बारे में आपको सही से जानकारी हो जाए। थाईलैंड सुपर राइडर्स ने इस टूर्नामेंट में 8 मैच खेले हैं, 3 मैच इनकी टीम जीती और 5 मैच इनकी टीम हारी है। पहली टीम के मुकाबले बहुत वीक टीम है और लास्ट मैच जो खेला गया उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है, तो इसके भी अपन सेलेक्ट कर लेते हैं प्लेयर जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला प्लेयर है मंसूर रहमान, जिसने 8 मैच में 247 रन बनाए, 30 की एवरेज से 7 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 1 विकेट लिया है। बैटिंग भी कर रहा है बढ़िया और शानदार, आपको थोड़ी बहुत गेंदबाजी प्रोवाइड करवा सकता है, इसलिए एक मस्ट पिक प्लेयर है। सिलेक्शन की बात करें 97% इसका सिलेक्शन है, ठीक है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 162 मैच में 3156 रन बनाए, 21 की एवरेज से 144 ओवर की गेंदबाजी 144 विकेट लिए, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। इसके बाद है रॉनी जमान, 8 मैच में 64 रन, 12 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट, ओपनिंग कर रहा है, साथ ही आपको गेंदबाजी प्रोवाइड करवा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन की बात करें 94% इसका सिलेक्शन है, ठीक है। इसके बाद है तनवीर अहमद, 5 मैच में 21 रन, 4 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट, लास्ट मैच जो खेला गया उस पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आया था, इसलिए अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है दीपक कुमार, 7 मैच खेले इस टूर्नामेंट में, 21 रन बनाए, 6 ओवर की गेंदबाजी करिए, 3 विकेट लिए, तो बॉलिंग भी कंफर्म नहीं करा रहा और बैटिंग भी कुछ खास नहीं कर रहा, इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है तेजुल इस्लाम, 4 मैच में 28 रन इस टूर्नामेंट में, ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे डोमेस्टिक T20 का है, 36 मैच में 594 रन, 18 की एवरेज से 77 ओवर की गेंदबाजी, 34 विकेट लिए। उसके बाद है सैयद असगर, 6 मैच में 24 रन है इस टूर्नामेंट में, ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे क्लब ओवरऑल रिकॉर्ड है, 38 मैच में 300 रन, 13 की एवरेज से 7 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट। उसके बाद है एनसीयू रहमान, जिसने 3 मैच में 6 रन बनाया, 3 ओवर की गेंदबाजी करी, 0 विकेट लिए, बॉलिंग बहुत कम करवा रहा और बैटिंग पोजीशन खूब नीचे है। उसके बाद है मौफिजुद्दीन, जिसने 6 मैच में 9 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 2 विकेट लिए, तो बॉलिंग करवा रहा है, इसलिए अपन इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें सिलेक्शन है 61%, ठीक है। इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 17 मैच में 54 रन, 52 ओवर की गेंदबाजी, 17 विकेट है। इसके बाद है निखिल सिंह, 6 मैच में 17 रन, 1 ओवर की गेंदबाजी, 0 विकेट, ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें 8 मैच में 139 रन, 16 ओवर की गेंदबाजी, 7 विकेट। उसके बाद है सुरेश एनवी, जिसने 5 मैच में 2 रन बनाए, ओवरऑल रिकॉर्ड 8 मैच में 29 रन, 6 विकेट है। उसके बाद है यूनुस अली, 5 मैच में 8 ओवर, 5 विकेट, ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, इसको चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। विकेट कीपिंग सेक्शन में नहीं है ये, यह है बल्लेबाजी सेक्शन में, और एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है, ठीक है। लास्ट प्लेयर जो बचा है वो फिलहाल अपन ले लेते दीपक कुमार, क्योंकि नंबर 4 पर बैटिंग करना आया था लास्ट मैच में और थोड़ी बहुत आपको गेंदबाजी दे सकता है, इसलिए अपन ने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है, ठीक है। कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी का अली मुसाद से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा साकिल चौहान और सोहिल चौहान दोनों कैप्टनसी के चॉइस है, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन अली मसूद को कैप्टन बनाएंगे, वाइस कैप्टन अपन साकिल चौहान को बनाएंगे, ठीक है, या फिर साहिल चौहान को भी बना सकते हो। साहिल चौहान का बैटिंग थोड़ा नीचे आता है, इसलिए अपन साकिल चौहान को बनाएंगे, और यह डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। इस टीम की तरफ से भी बेंच पर से कोई भी नया प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएगा। हम इस टूर्नामेंट के अलावा UAE T10 भुक्ता लीग को भी कवर कर रहे हैं और ECSN पुर्तगाल T10 को भी कवर कर रहे हैं, तो आपको एक ही चैनल पर 3 T10 की सीरीज कवर हो जाएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ ही टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना इस मैच में जरूरी है, ताकि आपको इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी, बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, टॉस अपडेट और जो हमारी फाइनल टीम होगी वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।